हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड 29। माय नेम इज शाह अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉनिटर मॉडल डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो में आपको कंट्रोल मॉडल के बारे में बताया था, किस तरीके से उसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे वो वर्क करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके पहले की वीडियो मैंने एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में बताया था, तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए तो आपका थोड़ा कंसेप्ट और ईजी हो जाएगा एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड। दोस्तों, इस वीडियो में मॉनिटर मॉडल की बात करूंगा, लेकिन जब पिछले वीडियो मैंने जब कंट्रोल मॉडल रिले मॉडल का जब वीडियो बनाया था, तो उसमें हमारे कुछ व्यूअर्स को डाउट था कि जो हमारा कंट्रोल मॉडल है उसमें जो 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई है ये क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मॉड्यूल है इसमें 24 वोल्ट एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि किसी किसी पैनल में हमारे पास जो है NAC सर्किट जो जिसमें हम लोग हूटर्स कनेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो हूटर्स हैं हम लोगों को लूप में इंस्टॉल करना होता है। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का मॉड्यूल यूज़ करते हैं जिसमें 24 वोल्ट हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं उस मॉड्यूल को, और जब फायर का ट्रिगर, जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो उसका ट्रिगर उस मॉड्यूल को मिल जाता है जिसको हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं। और उसके बाद जो 24 वोल्ट सप्लाई वो हूटर, साउंडर या स्टोव जो भी हमने कनेक्ट किया है तो वो एक्टिवेट होता है। इसलिए हम लोग जो है इस टाइप का मॉड्यूल यूज़ करते हैं। इस लूप में आपको इंटीग्रेशन के लिए जो मॉड्यूल यूज़ होगा उसे हम लोग रिले मॉड्यूल बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली कंट्रोल और रिले मॉड्यूल दोनों एक ही है। लेकिन हम लोग इस टाइप का जो मॉड्यूल है जिसमें हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, इसे हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। और ये जो है इसमें हम लोग हूटर, साउंडर और स्टोव जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉनिटर मॉडल डिवाइस से लेके। मैं आपको फील्ड पर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कैसे मैंने जो है दो मॉडल इंस्टॉल किया है, फर्स्ट फॉर फ्लो स्विच एंड सेकंड फॉर मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, जो कि इमरजेंसी डोर रिलीज के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मॉनिटर मॉडल ये क्या है पहले समझ लेते हैं बेसिक से। मॉनिटर, जब हमारे माइंड में जब एक वर्ड आता है मॉनिटर, मतलब किसी भी चीज़ को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, सेम कंसेप्ट हम लोग फायर एंड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। मॉनिटर मॉडल का बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर हम लोगों को कोई अदर डिवाइस है, कोई अदर अप्लायंसेस है, उसका स्टेटस लेना है। अब स्टेटस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपकी साइट पर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है और अगर कोई स्प्रिंकलर जो है फट जाता है तो जो है वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेन हेडर लाइन होती है वहाँ पर हम लोग फ्लो स्विच को इंस्टॉल करते हैं। जब जब पानी का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है, तो जो फ्लो स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है। फ्लो स्विच एक्टिवेट होने के बाद वो कमांड देगा। तो हम लोग वहाँ पर मॉनिटर मॉडल को यूज़ करते हैं तो वो फ्लो स्विच का जो भी स्टेटस है, ओपन स्टेटस या वर्किंग स्टेटस, जो भी वो स्टेटस मॉनिटर मॉडल तक जाता है और मॉनिटर मॉडल हमारे फायर पैनल को ये मैसेज भेज देता है, ये इंडिकेट कर देता है कि फ्लो स्विच एक्टिवेट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग जो है मॉनिटर मॉड्यूल को विजिटर सिस्टम के साथ, वाटर लीक डिटेक्शन सिस्टम के साथ, इमरजेंसी डोर रिलीज के साथ हम लोग जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन दोस्तों मॉनिटर मॉडल का यही है कि हम लोगों को जो दूसरे डिवाइस है उनका जो है आउटपुट लेना है और हमारे फायर पैनल को बताना है। इसी तरीके से हम जो है, अगर आपका कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मान लीजिए आपका फ्लोर थर्ड फ्लोर पर आपका ऑफिस और आपने आपका सिस्टम इंस्टॉल किया है और बिल्डर का भी एक पैनल है, तो आप सिमिलरली जो है बिल्डर से भी, बिल्डर के पैनल का भी स्टेटस जान सकते हैं कि बिल्डर का जो पैनल है वो ट्रबल में है या बिल्डर का जो पैनल है वो फायर अलार्म है, तो आपके पैनल को जस्ट एक इंडिकेट आएगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको फील्ड पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कैसे जो है ये मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली लूप में हमें इंस्टॉल करना होता है, जैसे कंट्रोल मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, इसका जो सेकंड साइड का जो टर्मिनल है वो हमें जस्ट जो अदर डिवाइस है उसे हम लोगों को दे देना है। ये जो है ये दोनों मॉनिटर मॉड्यूल है और इसका एड्रेस है 1110 110, और इसका एड्रेस है 120 12 पर है। ठीक है, ये दोनों मॉनिटर मॉड्यूल है, अब ये नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो केबल है SLC सर्किट कनेक्ट है लूप में हमारे डिटेक्टर के, ये वाला भी लूप में है, यानी एक हमारा फायर से डिटेक्टर आया हुआ है और यहाँ पर कनेक्ट है। उसके बाद इससे जो केबल है वो केबल लूप करके यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा केबल नेक्स्ट डिटेक्टर को गया हुआ है। अब ये जो केबल है, ये केबल यहाँ पर कनेक्टेड है मॉनिटरिंग करने के लिए, वो फ्लो स्विच को दिया हुआ है, ये फ्लो स्विच है। ठीक है, अगर ये यहाँ से वाटर फ्लो होगा, फ्लो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसलिए फ्लो स्विच के मॉनिटरिंग के लिए ये जो है दिया हुआ है। दूसरा जो मॉड्यूल दिया हुआ है वो ये देख सकते हैं, ये जो केबल है यहाँ पर कनेक्टेड है T78 में, ये जो ग्रीन कलर का केबल है ये हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स को दिया हुआ है। फायर एग्जिट डोर अगर ओपन होगा तो ये दोनों जो है, ये जो पॉइंट है शॉर्ट हो जाएगा और मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिवेट होगा। तो ये जो है फ्लो स्विच के लिए दिया गया है, ये जो है
फायर एग्जिट डोर के लिए दिया हो गया। इसी तरह आप अगर वेस्टा के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम WLD के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम FM 200 के लिए भी सेम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है ये दोनों। WLD का ये कॉन्टैक्ट हम लोग जो है मॉनिटर मॉडल को भी दे सकते हैं यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लो स्विच और इमरजेंसी डोर का जो पॉइंट था, इसी तरह ये पॉइंट भी हम लोग जो है मॉनिटर मॉडल को देंगे। तो जब ये WLD पैनल मेरा जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है मॉनिटर मॉडल भी मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से फील्ड पर मैंने डिवाइस को इंस्टॉल किया, बस सेम लूपिंग जैसा डिटेक्टर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से इस मॉडल को भी इंस्टॉल करते हैं। बस इसका जो सेकंड साइड का जो टर्मिनल है वो हम लोगों को डिवाइस जो भी अदर डिवाइसेस है फ्लो स्विच है उसको हम लोगों को कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें और मेरे चैनल के वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है फायर अलार्म से रिलेटेड जो है बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और प्लीज़ नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपके जो भी डाउट्स है इस वीडियो के रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल पर ट्राई करूंगा आपके जो है सोल्यूशन देने की, आपको आंसर्स करने की। तो दोस्तों बताइए आपको नेक्स्ट जो है वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं ट्राई करूं आपको उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।